टेढ़ा सवाल था, इफ 10 थीटा इक्वल टू 1 देन 8 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 7 कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। या 10 थीटा अगर 1 है तो बच्चों अंडरस्टूड सी बात है कि ऐसा तभी होता है जब थीटा 45 हो। अब यहाँ पे मैं साइन 45 की वैल्यू पुट कर दूंगा क्योंकि 1/√2 होती है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, इससे सारा हमारा मसला हल हो जाएगा बच्चों। माइनस 2 1/√2 का क्यूब प्लस 7 1/√2 क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा जहाँ भी है, और प्लस 1/√2 का क्यूब। बच्चों ऊपर तो देखो 8 प्लस 5/√2 ये हो जाएगा, नीचे माइनस 2 देखो रूट पे क्यूब हो तो इस फॉर्म में लिखते हैं 2√2 प्लस 7/√2 और यहाँ भी हो जाएगा 1/3 है, यहाँ भी 2√2। बच्चों ऊपर तो सीधा साधा है 13/√2 हो गया, नीचे ना आपको क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि 2√2 आ जाएगा, ठीक है 2√2। यहाँ से तो माइनस 2, 2√2 से √2 को डिवाइड करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, 14 प्लस 1। अब ध्यान से देखो ये √2 भी कैंसिल, 14 प्लस 1 15 यानी माइनस 2, न्यूमिनेटर से कैंसिल होता है डिनोमिनेटर, ये 13 भी कैंसिल हो जाएंगे और ये जो 2 सबसे नीचे ये ऊपर आ जाएगा और इसका करेक्ट आंसर ही बच्चों क्या है 2 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों।